टूटे पड़े हुए खम्भे टूटे पड़े हुए हैं। ये लगभग कब से टूटे पड़े हैं? ये लगभग एक महीना बीतने वाला है। अच्छा। लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। काम उन्हीं का होता है जो दलाली देते हैं, पैसा देते हैं, अन्यथा किसी का काम हो ही नहीं रहा। इसी के संबंध में हम लोगों ने कई बार आगाह किया, जब किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन जब हमें घर में मरना है, हमारी फसलें सूख गई, सब्जी सूख गई, पानी पीने की त्राही त्राही मची हुई है। आपका नाम क्या है? पीसी पटेल, जनसेवक नाम है। जैसा कि हमारी पीसी पटेल जी से बात हुई, आई है और जानते हैं कुछ ग्रामीण भी हैं। भाई आपका क्या नाम है? हमारा विशेष पटेल नाम है, बदेदू के रहने वाले। आप रोड में हैं इस समय और चक्का जाम किए हुए हैं, इसका कारण क्या? अरे क्यों आपको आज रोडों में आना? अरे भैया कारण ये सभी अधिकारी बिजली विभाग वाले हैं, ये सब कर रहे हैं भैया। खम्मा टूट पड़ रहे हैं सबके, जो पैसा ले दे रहे हैं उनको तो बन रहा है। नहीं तो किससे पैसे लिए? अरे हाँ, दो चार आदमी हैं, गवाही भाई साहब हैं। अच्छा। बैठे हाँ बैठे हैं, देख लो। सर मैं बाला प्रसाद पटेल हूँ। हाँ, मैंने 5,000 रुपए खम्भे का दिया, खम्भे मैंने अपने जेब से लाया। इसने कहा, लाइन मैन ने कहा कि मुझे 5,000 रुपए दो तो मैं गाड़ूंगा। मैंने उससे कहा कि ले लो, तो नहीं लेने के लिए इनकार कर दिया। फिर उसने दिन में अपने जेब से खम्भे लाया। कल मैंने 7,000 रुपये अपने जेब से लाइन गड़वाया। 7 दिन से मैंने ट्रैक्टर में साथी ग्रामीण से पानी लेके भाड़ा मिला रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाला प्रसाद पटेल, बदेदू। जैसे हमारे साथ जय साहब भी जुड़ चुके हैं, आइए हम बात करते हैं। जय साहब लेटिए नहीं भाई, आप आ जाइए। सुनिए जी, आप कहाँ से जय हैं? इन लोगों का आरोप है कि हम लोगों से पैसा लिया गया है, ये आरोप में आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसमें भला क्या बोले, अगर इन्होंने किसने को पैसा दिया, किसने लिया वो तो बताएंगे ही। अगर वो वीडियो है तो जिन्होंने पैसा लिया होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिन्होंने पैसा लिया होगा उनसे कार्रवाई करवाई जाएगी। नहीं तो ये भूत का भ्रष्टाचार का मामला है कि नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तब तो फिर ये मामला है। आप लोगों ने कब से इन लोगों को जानकारी दी कि ये आगे जानकर भ्रष्टाचार के विषय में कि पैसा लिया गया? भ्रष्टाचार के विषय में लगभग 15 दिन तहसील दिवसों में हम लोग लिखित में दे चुके हैं, समाधान दिवसों में दे चुके हैं। उसमें जय साहब क्या अभी तक उसमें जो है संज्ञान नहीं लिया गया था? जैसे ये लोग ग्रामे आज इनको रोडों में चक्का जाम करना पड़ा, रोडों में आना पड़ा। नहीं, शनिवार तक, देखिए शनिवार तक भाई सब यहीं पे काम हुए हैं, अभी भी आज भी काम होंगे। गाड़ियां आ रही हैं, सामान लेके आ रही हैं, सामान एक्चुअली घट गया था तो कल इसके चक्कर में काम नहीं हो पाया। जब सामान ही नहीं था तो काम नहीं हो पाया। सामान की बात, मटेरियल आया, मटेरियल हम लेके आ रहे हैं, काम आज भी। बात यहां पर बात भ्रष्टाचार की आ रही है। अगर भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो इनको किस बात के लिए पैसा दिया गया है? आ रहे हैं अमर को भी मैंने बुलाया है, वो भी आ रहा है। ने कहा बिना पैसे कोई काम नहीं होगा। अच्छा, किसने कहा? लाइन मैन आपके अमर, उन्होंने कहा हमने कल दिया कल। ये किसान है, क्या कहा? ये किसान है और ये ट्यूब वेल में रहते हैं, गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। शांत रहिए भाई, 3 किलोमीटर दूर। इन लोगों को पानी की बड़ी किल्लत थी, जानवर इनके मर रहे थे। इन लोगों ने आग्रह किया, निवेदन किया, हम लोगों ने किसी तरह से खंभा भिजवाने का काम किया। इन्होंने 700 रुपए खंभा के लिए ट्रैक्टर किया। जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा, ये बिजली कर्मचारियों की खंभा स्वयं लेके जाओ, इसके बाद खंभा गड़ने के बाद हफ्तों लग गए, लाइन नहीं जोड़ी जा रही थी, सिर्फ जोड़ना था तार को। उस जोड़ने का 2,000 रुपए मांगा गया। कल मैंने दिया, कल आपने दिया? हाँ कल मैंने, लोगों के सामने दिया गया, 10 लोगों के सामने। लाइन मैन था, अमर था, उसके सामने मैंने दिया। ये देखिए, इन लोगों का कहना है कि हमने 10 लोगों के सामने दिया, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर उसमें इनसे कोई डायरेक्टली पैसा ले रहा है, गलत बात है, ये उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने जिनको भी पैसा दिया वो बताइए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी विभाग से जुड़े। जैसा कि एक महीने से ये जो है केवल सुस्ती का, आखिरकार इतना टाइम हो गया, लाइट अभी तक ये दुरुस्त क्यों नहीं हुई? नहीं, मैक्सिमम काम हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा है हो जाएगा भाई साहब। नहीं, आज हो जाएगा ना, अभी तक इसमें आखिर कहाँ रुकावट आ रही है? भाई साहब, शनिवार तक काम हुए हैं कि नहीं? अभी शनिवार तक यहीं पर काम हुए हैं।
हैं। शुक्रवार से काम नहीं हुआ। सामान भाई साहब सामान सामान कल आया है ना, कल शाम को सामान आया है, काम आज फिर चालू होगा। सामान मौके में पड़ा है, केबल चढ़ाने वो भी नहीं चढ़ा रहे हैं, जम्फर जोड़ने वो भी नहीं जोड़ रहे हैं। जो समस्या है वो सारी खत्म होंगी, पहले पैसा वापिस हो इनका। किसको दिया गया पैसा, किसको दिया? बता तो रहे हैं, यह आ रहे हैं, आ रहे हैं, जिला अधिकारी महोदय नहीं आएंगे, पैसा वापस नहीं होगा तब तक कोई कार्रवाई। जैसा कि हमारी जय साहब से बात हुई और ग्रामीणों से, यहाँ जो है भ्रष्टाचार का मामला सीधा सा नजर आया। इन लोगों का आरोप है कि हम लोगों से 2,000 रुपए लिए गए। अब मूंग सूख रही है सर, हमें लगातार ऐसा कोई हमारी मजबूरी। आपने पैसा दिया? जी 300 रुपए दिया हूँ मैंने, बोले टूटने का मेन फ्यूज चार्ज चाहे। किसको दिया है? अमर के एक कोई पार्टनर था, उसको दिया हूँ। लाइन मैन जी, आपका क्या नाम है? संत कुमार भदेदू जी। बिजली नहीं आई एक महीना से बिजली नहीं आई। यहाँ परेशान है सब लोग, और यहाँ पानी के नहीं व्यवस्था नहीं है, नहीं बिजली के कारण नहीं मरी मर रहा है। पैसा मांग रहा है चक्का, पैसा मांग रहे हैं जी। गरीब मड़ई है, नहीं दे पाएंगे तो कहाँ पाएंगे पैसा? कौन मांग रहा है? ऐसे बिजली वाले, बिजली विभाग वाले पैसा मांग रहे हैं। अधिकारी आए हैं, अधिकारी आए हैं तो हमारा यहाँ सब सावधान करे। हाँ, तो क्या नाम है आपका? राजकुमारी। इसी के ग्राम भदेदू में जो रास्ता बबेरू से ओरन की तरफ गया है, यहाँ पीसी पटेल के नेतृत्व में जो जनसेवक हैं, बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने जाम लगाया था। जेई के आश्वासन पर जाम को खुलवा दिया गया है। जेई ने आश्वासन दिया है कि रात 10 बजे तक बिजली की समस्या यहाँ के किसानों की उसको सुलझा दिया जाएगा।